हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये 9th क्लास का चैप्टर 4 है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे काम कैसे करती है, उसके ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो हमारे लिए काम करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। ओके, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन, कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है एंड हाउ डू दे वर्क, और वो काम कैसे करते हैं। हमारे मन में ये दोनों क्वेश्चन घूमते हैं। फर्स्टली हम समझेंगे कि इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। हमारे पास में कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन है लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो फर्स्टली हम इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन पढ़ेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव के बारे में हम सबको पता होगा काम कैसे करते हैं। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो रूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेक करना, एंड जुडिशरी का काम क्या होता है, डिस्प्यूट जो हो रहे हैं उनको सॉल्व करना। फर्स्टली हम देखेंगे एग्जीक्यूट। जितने भी लॉ मेक किए जाते हैं हमारी कंट्री में, सारे के सारे जो लॉज होते हैं उसको गवर्नमेंट के अंडर में बनाए जाते हैं, और लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर के पास में, लॉ मेक करना, लॉ मेक। लॉ मेक का काम है, लेजिस्लेचर करता है, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं। सारे लॉ मेक हमारे लेजिस्लेचर में किया जाता है। लॉ बनाने का काम हमारे लेजिस्लेचर का है, और उसको एग्जीक्यूट कराने का काम हमारे एग्जीक्यूटिव का है। जितने भी लॉ है उनको लागू कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। एंड देन उसके बाद जब वो डिस्प्यूट होंगे स्टार्ट, तो डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी करेगी। जुडिशरी का काम होता है हमारे जितने भी लॉ है उसके जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना। तो ये हमारे 3 गवर्नमेंट के ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं हम इनको, और हम इनको इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं, मेजर इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट के मेजर इंस्टीट्यूशन है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। इनका काम क्या होता है, लॉ मेक करना, लॉ को एग्जीक्यूट करना एंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। अब आगे हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना, कि आगे इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ पॉलिसीज डिसीजन आर मेड। जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनके जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, या फिर कौन लेता है, हाउ पॉलिसीज डिसीजंस आर मेड, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, पॉलिसीज कैसे बनाई जाती हैं। लाइक हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर बिकॉज दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी के अंदर सबको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, लोकतंत्र है इंडिया के अंदर। तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो कंट्री के ऊपर रूल कर रहा है, जिसकी गवर्नमेंट है, वो होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो सिंपल सी बात है, लॉ तो वही बनाएगा ना जो रूलिंग पार्टी में होगा, जो रूल कर रहा होगा। जो रूल ही नहीं कर रहा वो लॉ कैसे बना लेगा, जिसकी गवर्नमेंट है रूल बनाने का काम भी उसका ही होगा, रिप्रेजेंटेटिव भी वही है। जिसकी गवर्नमेंट ही नहीं वो तो रूल नहीं बना सकता ना, तो रिप्रेजेंटेटिव रूल बनाएंगे। हैव टू फॉलो सम रूल्स, बट ये मीनिंग भी नहीं है कि जिसकी गवर्नमेंट है वो रूल तो बनाएगा बट रूल्स को वो अपनी मर्जी से बना ले, उसको भी तो रूल्स बनाने के लिए भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो उसके लिए भी होंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर रूलिंग पार्टी को दिए हुए हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के लिए रूल्स बनाए गए हैं। लाइक सपोज अगर हम सारे रूल गवर्नमेंट को ही दे दें, गवर्नमेंट के ऊपर कोई लिमिटेशन ना लगाएं, तो उसका तो गवर्नमेंट मिसयूज कर लेगी।
अपनी मनमर्जी चलाएगी। तो इसलिए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे या फिर जो रूलिंग पार्टी होती है, गवर्नमेंट होती है, वो भी कुछ रूल्स को फॉलो करती है। उन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही कुछ लॉ मेक करती है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करती है, देन उसके बाद में जाकर कोई भी लॉ बनाया जाता है। ये नहीं है कि मेरा मन किया, मेरी गवर्नमेंट है तो मेरा जो मन कर रहा है मैं वो कर लूंगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज दे हैव टू वर्क विद, वो उसके साथ काम करते हैं विद इन इंस्टीट्यूशन और उस पूरे ग्रुप के साथ में काम करते हैं। लाइक अभी सपोज स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं। अब प्रिंसिपल ने कोई रूल बनाया कि ये रूल फॉलो करना है, अब प्रिंसिपल ने रूल बनाया तो कोई जो उसको स्कूल है वो एक इंस्टीट्यूशन, क्या बिना उसके उस रूल को फॉलो किया जाएगा? प्रिंसिपल ने तो लाइक रूल बना दिया बट उसको टीचर्स फॉलो नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलता। तो इसलिए उनको काम करना पड़ेगा विद एंड विद इन, सबको मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाकर कोई एक लॉ बनेगा और देन वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। लॉ मेक करना एंड उसको एग्जीक्यूट करना, दोनों में डिफरेंस होता है। लॉ बनाने वाले अलग होते हैं और लॉ एग्जीक्यूट करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले अलग होते हैं। प्रिंसिपल ने बना दिया, टीचर्स उसको, टीचर्स का काम होता है उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको फॉलो कराना। उसको एग्जीक्यूट कराना एंड उसको फॉलो कराना। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट करते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो भी मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर क्या होते हैं, एग्जीक्यूट क्या होते हैं एंड जुडिशरी क्या होती है, प्ले अ की रोल अ मेजर डिसीजन। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे गवर्नमेंट के अंदर। इवन ये गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स क्या है, तो आप इनको टिक कर सकते हो। लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशरी हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि पूरी की पूरी गवर्नमेंट इनके ऊपर डिपेंडेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब तीनों अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। इन तीनों को एक दूसरे के कंट्रोल में रहती है। लाइक सपोज लेजिस्लेचर कभी कोई गलत काम करता है तो उसको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करेगा, एग्जीक्यूटिव ने कभी कुछ किया तो उसको जुडिशरी कंट्रोल करेगी। एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम भी करते, इसलिए इनको चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन होता है, सब जानते हैं हमारी कंट्री का जो राष्ट्रपति है वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्रेसिडेंट कंट्री का हेड होता है, फर्स्ट पर्सन होता है प्रेसिडेंट। यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्री है, ना कि कोई राज्य है। ओके, स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री दिया हुआ है। तो प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट है और एक हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। एक बहुत ज़्यादा हाइएस्ट अथॉरिटी है कंट्री में। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर भी है, देन प्रेसिडेंट के बाद में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअल एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास में हमारी कुछ कम पावर बोल सकते हैं, पावर होती हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होती जितनी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास में होती हैं। गवर्नमेंटल जितनी भी पावर होगी वो हमारी सारी की सारी किसके पास में होगी, प्राइम मिनिस्टर के पास में होगी। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, मींस हेड ऑफ द कंट्री होता है, और उसी की जगह जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। पूरी गवर्नमेंट को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है। और कंट्री को प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे के सारे डिसीजन ही कैबिनेट मीटिंग में लिए जाते हैं। कैबिनेट मीटिंग क्या होती है, इसको भी हम आगे चैप्टर में ही कंटिन्यू करेंगे, तब पढ़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे जितने भी डिसीजन होते हैं, मेन काम होता है प्राइम मिनिस्टर का उन डिसीजन को लेना, किस में, कैबिनेट मीटिंग में विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का।
तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू था उसको कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे द गवर्नमेंटल ऑर्डर चैप्टर 4 9th का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम इसमें पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में कि गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है। ओके, ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, व्हाट इज दिस ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम, क्या है? ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम क्या है, तुम इसको समझते हैं? ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम क्या है? एन ऑफिस मेमोरेंडम मींस इज अ स्पेशल ऑर्डर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस मेमोरेंडम एक नोटिस होता है, जैसे आपके स्कूल में कोई फंक्शन होना है तो उसके लिए एक नोटिस बनाया जाता है ना, नोटिस बोर्ड पे उसको हैंग कर देते हैं कि सब उसको देखे और पढ़ सके। वैसे ही हमारा ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम होता है, इसके अंदर में सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या चीज़ है, किसके बारे में दी गई है। ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम का एक नंबर भी होता है जिसके नाम से वो जाना जाता है। इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है इसको। इसका पर्पस होता है कि स्मूथली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको स्मूथली रन किया जा सके। इसका जो मेन पर्पस होता है, इसका मेन पर्पस होता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करना। इसका यही उद्देश्य है या फिर यही पर्पस है कि जितने भी काम हमारे हो रहे हैं, स्पेशल वर्क जितने भी हैं, सबको स्मूथली मींस बहुत अच्छे से उस पर वर्क किया जा सके। कौन कौन से ऐसे इश्यू होते हैं उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है? ये ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के किसी भी स्पेशल केस को या स्पेशल चीज़ को, किसी के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो उस पर कैसे बनाना है, और उसमें जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे वर्क करेगा, उसको स्मूथली वर्क कराना कि बहुत अच्छे से काम करे, कहीं भी कोई डिस्प्यूट ना है, सबके फेवर में हो। इट इज यूज रेगुलरली ऑन अ डे टू डे बेसिस बाय हायर अथॉरिटी। इसमें उन टॉपिक्स को लिया जाता है जो हमारे रेगुलर लाइफ में हम जो हमें फेस करने पड़ते हैं, लाइक रिजर्वेशन एक ऐसा केस है जिसके लिए ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम का यूज किया गया था जिसमें हाईएस्ट अथॉरिटी वर्क करती है, ठीक है? एन ऑर्डर वाज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 13, 1990। ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जब इशू किया गया था, किसने इशू किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया था। कब? अगस्त 13, 1990 में ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम को इशू किया गया था। This is called office memorandum. इसलिए इसे क्या बोला जाता है? Office memorandum के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हम आगे इस टॉपिक में करेंगे। By whom? किसने इसे इशू किया था? By whom किसने इशू किया था? Department of Personnel and Training of the Minister of Personnel, Public Grievance एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ इन द मिनिस्टर्स ने इसको इशूड किया था। इसमें जो मेमोरेंडम होता है एक पेज पे लिखा होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं, जिस चीज़ के बारे में इशू किया जा रहा है, जिस टॉपिक के ऊपर उसको डिस्कस किया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल होती है उसमें, और नीचे चीफ सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर चीफ सेक्रेटरी के साइन है तो पूरा का पूरा जो मेमोरेंडम है वो चीफ सेक्रेटरी ने बनाया है, नहीं, साइन चीफ सेक्रेटरी के है, बट उसको पहले बहुत सारे लोगों के बीच में वो डिस्कस हुआ है कि जो लॉ हम बनाना चाह रहे हैं क्या वो लॉ सभी के लिए फेवर में है या कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी हैं। तो हर जगह डिस्कस होने के बाद, आपके लाइक पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद, लोकसभा एंड राज्यसभा, हर जगह डिस्कस होने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें किसने ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम को
किसने इश्यूड किया था? पर्सोनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर. क्या किया गया था इसमें, क्या था या फिर क्या किया गया था, किस टॉपिक पे, किस डिसीजन पे बात की गई थी, ऐसे कौन से डिसीजन थे जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम में लिए गए थे. दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन. ये जो ऑर्डर था ये अनाउंस किया था मेजर पॉलिसी डिसीजन. एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक. अकॉर्डिंग टू दिस 27% ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो बनाया गया था उसके लिए उसका जो मेन पर्पस था, उसका मेन पर्पस था जो हमारे 27% पीपल है. कौन से 27% पीपल? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हमने बाद में क्या नाम दे दिया, SEBC बोला गया. SEBC बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग 27% वैकेंसी होनी चाहिए उनको भी सिविल सर्विस सिविल पोस्ट में अंडर किसके, अंडर द गवर्नमेंट. उनको भी कुछ रिजर्व सीट्स दी जा सके. किन लोगों को? जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उसको भी कुछ रिजर्व सीट दी जाए जिसकी वजह से वो भी एक स्टेप आगे आ सके. क्योंकि अगर हम अपने पास्ट में देखें तो जो रिजर्व क्लास जो रिजर्व है, आज जिनको रिजर्व सीट मिली है उनके साथ में जो पहले बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा बेकार था. तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है हर जगह इक्वलिटी लेकर आना. आप अगर हर जगह इक्वलिटी लेकर आ रहे हो तो उस कंडीशन इनको भी तो एक स्टेप आगे बढ़ने का चांस मिलना चाहिए. अगर ये इतने ही ठीक होते इकोनॉमिकली, अगर ये सही होते तो इनको रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट ये सोशली भी बैकवर्ड है एंड एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, तो इसलिए सबसे मेन पर्पस ये था कि इनको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्व सीट दी जा सके जिससे इनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का. तो इस बेस पे हमारा ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम बनाया गया था. उसका जो मेन पर्पस था वो यही था 27% रिजर्व सीट्स दी जाए SEBC को. फुल फॉर्म मैंने लिख दी है क्या है, SEBC को 70% रिजर्व सीट दी जा सके. ओके, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे.